डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए, जितने पैसे चाहिए हम देने को तैयार हैं, बट प्लीज कम फास्ट ओके। मोहिनी ठीक तो हो, क्या हुआ? आज अगर रहना नहीं आती तो हम सबकी मौत आ जाती। पर इतना भयानक हादसा, वो ब्रह्म राक्षस। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, वो ब्रह्म राक्षस तो कनकराज के वश में था ना, तो फिर वो कैसे आया और आप सब पर अटैक कैसे किया? कनकराज ने कुछ नहीं किया क्या? चाय पी लीजिए, आपको थोड़ा ठीक लगेगा। मॉम, सब ठीक है मॉम? कुछ नहीं आप घबराइए मत। ब्रह्म राक्षस आ गया? गांव में पैर रखते ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? पराजिता ब्रह्म राक्षस, ये हो क्या रहा है? मुझे कोई बताएगा कुछ? दादी मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगी, तू चुप। एक मिनट, तूने ये मंगलसूत्र क्यों पहना है? क्योंकि मैं ऋषभ की पत्नी हूं। ऋषभ की पत्नी? मोहिनी, मोहिनी कहाँ है? दादी मम्मी जी तो अभी अभी अपने कमरे में गई है। ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे जवाब देगा? दादी आप थक गई होंगी, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर बात करेंगे। क्या करें साहब, क्या करें बताइए, विपदा वापस आ गई है। सरपंच साहब, ये लोग गांव में जब भी वापस आते हैं विपदा इनके साथ आती है। सही बोल रहे हो। बकवास बंद करो तुम लोग, वो राक्षस तेरे गांव में बनाया, तुम लोगों ने बनाया नहीं बनाया कौन जानता है। योग, अरे हम लोगों ने तो डैड अपनी जान रिस्क में डालकर मारा है उसे। इन लोगों ने क्या किया उसके बाद? क्या कहता इन लोगों ने? स्वामी है ना इनके पास, नाम क्या था उसका? अरे नाम क्या था उसका? कनकराज। हाँ भाई, क्या कहता? कनकराज मारेगा ना उस राक्षस को। क्या हुआ, मारा? क्या हुआ, मारा कि नहीं? आज तुम लोग की वजह से मेरा खानदान, पूरा खानदान खतरे में है। उसका क्या? हाँ, अरे मैं चाहता तो तुम सबको अंदर करवा सका हूँ, अब भी करवाऊँ। बोल, धमकी किसको दे रहा है? मैं चाहूँ तो तुम्हें भी इस गांव से बाहर करवा दूंगा। लाखन चुप हो जाओ, क्या हो रहा है? ऐसे आपस में झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं है, जो करना है हमें सबको मिलकर करना होगा। फूफा जी, हम पहले की तरह हर घर के बाहर कमल क्यों नहीं लगा देते, जैसे हम पहले करते थे? हाँ हाँ साहब, ये सही कह रहे हैं। वो विभूति है ना जिससे अपराजिता मरी, अगर वो उसका सामना ना कर पाई, हो सकता है वो राक्षस भी उसका सामना ना कर पाए। हाँ, और कनकराज से भी बात करनी होगी, उनसे पूछना होगा कि और क्या क्या किया जा सकता है। साहब आपने हालात संभाल लिए, वरना इन बच्चों ने तो हम गाँव वालों पर। हाँ हाँ ठीक है सरपंच जी, गर्म खून है, जवान है, लेकिन हम तो बड़े हैं, हमें तो इनको रास्ता दिखाना है। अगर हम ही अपना आपा खो बैठे तो कैसे चलेगा, है ना? तो जो भी करना है हम सबको मिलके करना है। ठीक है लाखन? ठीक है। योग? या डैड। साले साहब, योग और वेद को लेकर गांव वालों की मदद आपको करनी, काम पे लग जाते हैं सब लोग। अच्छा सुनो आप लोग, मैं क्या सोच रहा था कि हम लोग गांव के अलग अलग एरियाज में अलग अलग रूप में जाएंगे, ठीक है? और तुम लोग गांव के हर घर के बाहर कमल बिछा दो, ठीक है? और वो स्वामी की विभूति है ना, उससे हर घर के अराउंड वो लक्ष्मण रेखा टाइप बना दो, फिर एटलीस्ट गांव के घरों के अंदर तो नहीं घुसेगा ना वो राक्षस। Exactly, good idea. ऐसा ही करेंगे, सब लोग मिलके काम करना, ठीक है? ये सही है। चलो भाई चलते। ऋषभ ये सब क्या है, कैसे हुआ ये, क्या है सब? मुझे खुद नहीं पता दादी, बस हुआ और होता चला गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। छोड़िए सब, तू ये करने के लिए मान कैसे गया? हाँ तो क्या करता मैं, मुझे करना पड़ा दादी। अरे रहना के होते हुए भी तूने शादी कर ली? तलाक हो चुका है हमारा, तलाक हो चुका है हमारा दादी। तलाक? हाँ। तूने रहना को तलाक दे दिया? मैंने नहीं दिया, वो खुद आई थी डिवोर्स पेपर्स लेकर, हमने सिग्नेचर्स किए और हो गया। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है दादी, बताओ।
तलाक हो ना हो, हमारी शादी वैसे कौन सी कानूनी थी? ना कोई गवाह, ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना किसी को इनवाइट किया, ना कोई प्रिपरेशन की। लेकिन शादी तो थी ना, थी शादी? हाँ, शादी थी, शादी थी, लेकिन ये शादी हमने सिर्फ राखी के लिए की थी ना। इस शादी में शादी जैसी कोई बात ही नहीं थी। कुछ भी तो नहीं था दादी, लेकिन फिर भी कुछ तो था दादी, बहुत कुछ था शायद। ये तो जो बहुत कह रहा है उसे प्यार कहते हैं, वो प्यार है शायद। मुझे समझ में नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आता इस रिश्ते को क्या नाम दो, इस शादी को क्या नाम दो, मगर कुछ तो था दादी। पता है, मैं सोचता रहा एक बारी मुश्किल दूर हो जाए, इस गांव की मुश्किल से बाहर निकलो, इस गांव से निकलो, फिर मैं राणा को समझाऊंगा, उसे समझाऊंगा, उससे बात करूंगा, वो समझ जाएगी। लेकिन एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती गई। पहले वो औरत ब्रह्मराक्षस, पता है हमारी अप्पू मां थी वो ब्रह्मराक्षस, उसके बाद पुराना ब्रह्मराक्षस संजय बाहर आ गया, उसके बाद डैड ने कहा कि तुम्हें कियारा से शादी करनी पड़ेगी। नलिन ने कहा और तूने शादी कर ली? डैड के कहने पे नहीं दादी, ये शादी मैंने मॉम के लिए की, अगर मैं शादी नहीं करता ना तो मॉम को जेल हो जाती। क्या? हाँ दादी, मॉम का कोई बिजनेस था और उसमें कियारा के डैड ने पैसे लगाए थे, हेवली इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया, और अगर मैं कियारा से शादी नहीं करता ना तो कियारा के डैड मॉम को कोर्ट में घसीट ले जाते, हम सड़क पे आ जाते, अब मैं क्या करता दादी? आप ही बताइए, अगर मैं मुसीबत में होता तो मॉम मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती, अपनी जान तक दे देती। मैंने तो सिर्फ शादी की। मतलब ये शादी तूने मजबूरी में की? तोड़ दे ये शादी, मेरी दौलत कब काम आएगी? हाँ, मैं भर दूंगी कियारा के बाप का सारा कर्जा, मेरी दौलत कब काम आएगी? तो तोड़ दे अभी के अभी ये शादी, तोड़ दे बस। ऐसे नहीं दादी, ऐसे नहीं। तो कैसे, क्या करेगा? हाँ तो पहले एक बार इस गांव से निकल जाऊं। और निकल के क्या करेगा? नौकरी करूंगा, मैंने बहुत लोगों से कांटेक्ट किया है, जॉब करूंगा, मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, और सबसे पहले मॉम का कर्जा उतारूंगा, उसके बाद फिर एक जमीन खरीदूंगा और अपनी जमीन पर अपनी जिंदगी में रहना को उसकी इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा। बिल्कुल मेरे बेटे के जैसे बोल रहा है जो इस दुनिया में नहीं है, वो भी ऐसा ही था, ऐसे ही बोलता था और जो भी बोलता था करके दिखाता था, कभी किसी से हार नहीं मानता था। हारने वाला तो मैं भी नहीं दादी, मैं भी नहीं हारूंगा। क्या करेगा? जा बात कर, रहना से बात कर, वो समझ जाएगी। अभी नहीं दादी, आपको क्या लगता है इन हालात में वो समझेगी? नहीं समझेगी, उसे तो पहले ही शादी एक नाटक लगता है, और उसकी नजरों में मैं एक नंबर का निठल्ला, अमीर बाप के पैसों पे ऐश करने वाला, जिसे रिश्ते नातों की कोई समझ ही नहीं है। मैं एक बार अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, रहना के काबिल बन जाऊं, उसके बाद उससे बात करूंगा। ये तूने तेरा प्यार बोल रहा है, तू रैना से प्यार करने लगा है। प्यार की मंजिल कभी आसान नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जा समझाओ उसे, कह दे उसे कि उसकी अहमियत है तेरी जिंदगी में, फिक्र है उसकी, उस रिश्ते की अहमियत है। और तूने सही कहा, समझदार है, समझ जाएगी, अच्छी तरह से समझ जाएगी कि गलती तेरी नहीं थी, तेरे हालात की थी। नहीं दादी, उसे तो लगता गलत मैं ही था, बहुत जिद्दी है वो, एक बार जिद पे आ जाती उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो सही गलत कुछ नहीं सुनना चाहती, एक बार जिद में आ जाए ना तो उसके दिमाग का बल्ब फ्यूज हो जाता है, फिर कोई उसे ऑन करके दिखा दे। इसलिए रहना से तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी,
जैसी दादी मैं जा रही हूँ। ऐसे कैसे जा रही है? अभी अभी तो मैं आई हूँ, थोड़ी देर के लिए रुक जा। अरे ये ब्रह्म राक्षस कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब। ये आवाज कैसी? यहाँ कोई रहता है क्या? है कुछ गांव वाले जो शिकार के शौकीन है। तब तो उनको भी सावधान कर देना चाहिए, कहीं वो बेचारे खुद शिकार ना बन जाए। पापा अब गाड़ी के पास जाइए, मैं और लाखन उन गांव वालों को इत्तला कर आता। ठीक है, जल्दी लाखन आ जाओ। चल फोन यहाँ जंगल में गांव वालों का तो हो नहीं सकता, हो सकता है हमारे परिवार के किसी सदस्य का हो। चालू क्यों नहीं हो रहा है? देखते हैं। वेद चालू कर पाएगा शायद। वेद, वेद, बड़े साहब, बड़े साहब, आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए। आपने किया ये सब? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको मेरी परवाह नहीं है? मुझे लगा आप मुझे बचाने आए हो। I can't believe this कि आपने ऐसा किया मेरे साथ। आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं है ना? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ये सब आपने किया? पापा, पर ये फोन आपका है क्या? नहीं बेटा, मेरा नहीं है, यहीं पर जंगल में पड़ा मिला, मैंने सोचा देखें किसका है। पापा ऐसे किसी का फोन नहीं उठाते, आपको पता है कि उस फोन में भी ब्लास्ट होता है। हाँ, मुझे लगा कि ये हमारे ही घर के किसी मेंबर का है, क्योंकि इतना महंगा फोन है तो किसी गांव वाले का तो हो नहीं सकता है। पापा डेड है। क्या? बैटरी डेड है। एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं, इसको चार्ज करते हैं, फिर देखते हैं फोन किसका है। क्यों? पापा फोन पकड़ना। युग और जीजा जी का है। पापा वो लाखन और थोड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, इसलिए वो सरपंच जी से बात करने गए। अच्छा देखिए ना, मैंने ना आपके मेडिसिन पे ऐसे चिट्स लगाए हैं, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद। अगर आप अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेंगी तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी और आपको अच्छी नींद भी आएगी। अच्छा, जानती है ऐसे चिट्स किसके लिए लगाते हैं? उनके लिए जो बूढ़े हो गए हो। आपको पता है अगर आप और मैं साथ में कहीं बाहर जाएंगे ना तो लोग तो यही कहेंगे कि देखो देखो दोनों बहनें आई हैं। अच्छा हुआ तो वापस आ गए। कैसे नहीं आती? आपकी इतनी चिंता हो रही थी, आपको अकेले कैसे छोड़ सकती थी? फिर से चली जाएगी क्या? जाना तो पड़ेगा ही। क्यों, क्या जरूरत है जाने की? ये घर है तेरा, रहना, तू बहू है मेरी, बहू से भी ज्यादा बेटी है। हाँ बेटी हूं मैं आपकी, इसलिए यहां रहूंगी और हमेशा आपके साथ रहूंगी, पर सिर्फ बेटी है, बहू नहीं। काश कोई ऐसी वजह होती कि मैं तुझे हमेशा के लिए अपने पास रोक लेती, फिर वो वजह चाहे मैं होती या फिर ऋषभ। मैं भी कहाँ जाना चाहती हूँ, पर जाना तो पड़ेगा ही। सॉरी, जाना तो पड़ेगा ही। रैना! क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? ये कैसे?
ठीक हूँ मैं। आप ठीक तो है ना? ये किस? भूकंप आया होगा? नहीं, ब्रह्मराक्षस आया। ब्रह्मराक्षस? ये नहीं हो सकता। मैंने बाहर कमल, राजगिरा और विभूति सब रखा है, वो नहीं आ सकता। रहना, प्लीज मत जा। मत जा बेटा। इसे कमरे में ले जा, अगर ब्रह्म राक्षस हुआ तो पता चल ही जाएगा। जी दादी, चलिए। दादी मैं ये साफ कर दे रही हूं। नहीं, एक मिनट। कियारा, कियारा जल्दी से आओ। दादी वो, जल्दी से आइए, साफ कर सब कुछ। दादी वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ गई है? वो बाहर गई है, मैंने उसे कहीं बाहर जाते देखा था। जब भी ऋषभ बुलाता है दौड़ी दौड़ी चली जाती है। मैं क्या हूँ? ना अच्छा दोस्त है ना अच्छा फ्रेंड है वो। हम तो इतने अच्छे दोस्त है। अरे हम तो छोटे मोटे शिकारी हैं और वो है ब्रह्म राक्षस। कोई जानवर नहीं कि जिसपे जाल फेंका और पकड़ लिया। पर तुम उस राक्षस का करोगे क्या? बाहर से कुछ वैज्ञानिक आए हैं, कहते हैं उसके ऊपर प्रयोग करना चाहते हैं। बदले में ढेर सारा पैसा देंगे। पैसा? पर पैसा तो तब देंगे ना जब हम सब जिंदा बचेंगे। पगला गए हो, उस राक्षस को पकड़ोगे कैसे? ये लोग ब्रह्म राक्षस को पकड़ना चाहते हैं। पर साहब ये बात तो ठीक है, अगर वो पकड़ा गया तो इस गांव का भला हो जाएगा। मैं इन लोगों की मदद करूंगा। मैं उस राक्षस को रास्ते से हटा दूंगा। राक्षस चला जाएगा तो ऋषभ भी चला जाएगा। अब मुझे फिर रहना के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। ऋषभ, तुम इसे कोइंसिडेंस कैसे कह सकते हो? हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम अभी भी ये कह रहे हो? इतना कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पास में कुछ भी हुआ हो, उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए ना? एटलीस्ट मैंने तो नहीं छोड़ी। इतना सब कुछ हो गया हमारे साथ कि उम्मीद हो तो भी खत्म हो जाए, लेकिन मेरी नहीं हुई, जिंदा है आज भी। क्या करूं, ऐसा ही हूं मैं। पर कुछ चीजें ऐसी नहीं जो उम्मीद पर चले। एक बार मर जाए तो फिर से जिंदा नहीं हो सकती। नहीं रहना, मैं नहीं मानती। मेरी तो पूरी जिंदगी ही उम्मीद पे निकली। देखना, मैंने उम्मीद की थी कि तू रुक जाएगी और अब भी वो उम्मीद कायम। आंटी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए हूँ और मैं जानती हूँ कि आप भी मेरे लिए हैं। आज आपने मेरी जान बचा ली तो बस, फिर आज से तेरी ये जान मेरी। मुझे पूरा यकीन है तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। अरे आंटी ये कैसे? नहीं रख ले रहना, ये एक माँ का प्यार ही नहीं, एक माँ की उम्मीद भी है। देखना बहुत ही जल्दी कैसा दिन आएगा,
जब मुझे तुझे रुकने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा तो अपने आप ही रुक जाएगी। क्यों रे शंभू, गांव में तो बड़ा भोला बनता है, यहां राक्षस पकड़ रहा है। अपने दोस्तों को बोल बद्दू के नीचे, बता इन्हें मैं कौन हूं। आप ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस को पकड़ सकता हूं मैं। आप हमारी मदद करोगे? अरे नहीं, ऐसे कैसे किसी पे भी भरोसा करें। कर लो, मैं इसे जानता हूँ। ब्रह्म राक्षस को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं है, दिमाग चाहिए जो इसके पास है। पर मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त कि उस राक्षस को पकड़ने के बाद उसका इस्तेमाल सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग के लिए होगा, और दूसरी शर्त उस राक्षस को पकड़ के इतनी दूर ले जाना कि मैं नहीं चाहता कि उस राक्षस के खौफ से इस गाँव में कोई भी जिए या मरे। ठीक है, तो मैं प्लान बनाता हूं। शादी हुई है पूरे विधि विधान के साथ हुई, गठबंधन ने इन दोनों को बांध दिया है बंधन में। अब ये दोनों पूरे रीति रिवाज के आधार पर पति पत्नी के रूप में परिणित हो चुके हैं। ये कड़ा पहनने का क्या मतलब? क्या करूं, पहनूं या तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है रैना उसी घर में है। खेल शुरू हो चुका है, अब हम ब्रह्म राक्षस को तुम्हारे घर ले जाएंगे, फिर जो होगा वही होगा, सही समय पर होगा। हमें कोई नहीं रोक सकता, हम वो हासिल करेंगे जो हासिल करना चाहते हैं। लो ये ताबीज तप्ती अग्नि और जलते कोयला का है, इसमें रहस्यमय वो गुप्त शक्तियां हैं जो ब्रह्म राक्षस की रक्षा करेगी। कमल राजगिरा का कोई असर नहीं होगा, पर आईने के सामने इस ताबीज का कोई असर नहीं होगा। आईना देख के वो अपनी छवि से डरेगा, वहां उसकी कोई शक्ति काम नहीं करेगी। ये ताबीज ब्रह्म राक्षस से तुम्हारी रक्षा करेगी।
बात कर रखना। डेरा भाई का फोन भी नहीं आया, कहाँ रह गए लोग? खुद ही जाके देखता हूँ। रात को कहाँ जा रहा है? वो राक्षस भी कभी भी आ सकता है। तुम लोगों को ब्रह्म राक्षस क्यों चाहिए? रिसर्च के लिए मांगता है बिरादर। हमने बहुत सुना इनका ताकत के बारे में और उन्हीं ताकतों को हम समझना चाहते हैं। जब हम नेपाल में था यति के बारे में पढ़ा और अब ये ब्रह्म राक्षस। पक्का रिसर्च के लिए चाहिए? हाँ बिरादर, हमको रिसर्च के लिए ही मांगता है। मैं भी गया था पुष्कर ब्रह्म विद्या पढ़ने। मैं भी जानता हूँ ब्रह्म राक्षस के बनने के पीछे कई कहानियां मशहूर है ये गांव में, और उसके पीछे बनने के कई कारण हैं जो मैं भी जानना चाहता हूँ। श्योर बिरादर, हम जो भी रिसर्च करेगी तुमको जरूर बताएगी। आप सब पीछे हटिए। ये त्रिशूल मेरे गुरु का है। और ये उस राक्षस का खून। ब्रह्म राक्षस सामने आ। मैं तुझे बुला रहा हूं, सामने आ। तुझे न्योता दिया है, सामने आ। ब्रह्म राक्षस आ जा, सामने आ, इसी वक्त आ। ऋषभ कहाँ चला गया? नहीं जल्दी, शायद बाइक लेके गया होगा। कोई नहीं है, पर कोई तो था यहां। राक्षस के पैरों के निशान, मतलब ब्रह्म राक्षस भार है और ऋषभ भी भार है। हे भगवान, कहां गया होगा? जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं गांव वालों को संभाल लूंगा। हाँ हाँ, मैं उन सबको पैसे देके उनका मुंह बंद करवा दूंगा। आप तो बस किसी तरह जल्दी से युग के साथ में यहाँ पर आ जाइए, रात बहुत हो चुकी है।
और मुझे चिंता लगी हुई है, हम ब्रह्म राक्षस का खतरा मोल नहीं ले सकते। ठीक है पापा, वो मैंने फोन चार्जिंग पे लगा दिया था। पापा उसकी बैटरी बिल्कुल डेड थी, आप इसको कल सुबह तक टाइम दो चार्ज होने का, फिर शायद ऑन हो जाए। ठीक। अच्छा मैं दो मिनट में आता हूँ। कुछ तो है इस फोन में, वरना ऐसे जंगल में किसका फोन हो सकता है। तैयार है, वो आ रहा है। जरूर यहीं से गुजरा है, ऋषभ का है। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ गया तो क्या कहा? सब तैयार है ना? ऋषभ, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। ऋषभ, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रहे हो ऋषभ? कुछ तो बहुत गलत हो रहा है ऋषभ। देखते हैं, आ जाओ। इतने सारे आईने, इतनी रोशनी, क्या हो रहा था यहाँ? इतनी रात को ट्रक, ऋषभ ये ब्रह्मराक्षस का खून है। हाँ ब्रह्मराक्षस का खून, यहाँ पर ब्रह्मराक्षस का खून, क्या हो रहा था यहाँ पर? कौन कर सकता है ये सब? क्या क्या लगता है तुम्हें, कौन होगा? पता नहीं, ब्रह्मराक्षस का क्या हो रहा है? ऋषभ, ये
ये त्रिशूल मेरा है। मेरे इस त्रिशूल को कोई ले गया था, किसी ने इसका उपयोग किया है। मेरे त्रिशूल का उपयोग हुआ, ब्रह्म राक्षस आया और यहाँ से चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है? असंभव, घोर अनर्थ। अब मुझे कुछ करना होगा। डरो मत, मैं ब्रह्म राक्षस को वापस लाऊंगा। उसे लाने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। यह हमारी कल्पना से भी परे है। हमें उससे भी दो कदम आगे बढ़ना होगा, पर उसके लिए हमें सूर्य उदय का इंतजार करना होगा। अब सूर्य ही हमें शक्ति देगा और वही शक्ति ब्रह्म राक्षस को वापस लाएगी। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अच्छा, क्या भोली ने तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाई? पूरे गांव के काम आए। शिवम, तूने पूरे गांव को निहाल कर दिया। कनकराज जी, आशीर्वाद दीजिए। आपके चेले ने पूरे गांव को ब्रह्म राक्षस से मुक्ति दिला दी। ऐसा कार्य जिससे गांव का भला होता है, ऐसे कार्य के लिए मेरा आशीर्वाद सदा आप लोगों के साथ है। धन्यवाद। लो, इसी बात पर मुंह मीठा करो। मिठाई से क्या होगा भाई, हम जश्न मनाएंगे। जश्न क्यों शोम? क्यों नहीं, अब इस गांव में उस राक्षस से खौफ कभी नहीं आएगा। मैं आने नहीं दूंगा। अब वो जहां भी है, हम खतरे से बाहर है। हमारी बला टली। बिल्कुल, हम जश्न मनाते हैं। आओ। तुम्हें सही नहीं दिख रही। शिवम, कल रात जंगल में जो कुछ भी हुआ, वो आईने और रोशनी सब तुमने किया था। क्यों? अभी जानना चाहता हूं, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर तुमने एक बार में ब्रह्म राक्षस को गांव से बाहर फेंक दिया? क्यों, जल गए? जलते स्कूल के बच्चे हैं। फिलहाल जो पूछ रहा हूं वो बताओ। गांव मेरा है तो ब्रह्म राक्षस का सरदर्द भी मेरा है। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि उसके साथ मेरा दर्द का पुराना रिश्ता है। उसने मेरी बहन को मारा है। जब से इस गांव में आए, मेरे घर वालों का जीना हराम कर रखा उसने। और हसौल तुम्हारे इस गांव का ना, तो मुझे तुम्हारे इस गांव की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। जो पूछा वो बताओ, तुमने ब्रह्म राक्षस के साथ क्या किया? तुम बस इतना जान लो, तुम करते रह गए, मैंने कर दिखाया। तुम जाओ यहां से, मेरी जीत का मजा एंजॉय करने दो, खराब मत करो। तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या सच में ब्रह्म राक्षस होते हैं क्या? सर वो यही है, आप खुद देख लीजिए। सर लिक्विड तैयार है। नहीं, हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। हमें वैज्ञानिक खोज करनी है, इससे तो वो बेहोश हो जाएगा। राइट सर। बट सर वो बहुत शक्तिशाली है, ऐसे काबू में नहीं आएगा वो। मगर वो कहाँ है, मुझे देखना है। चलिए सर। आंखों में खौफ के साए, मौत भी देखे तो डर जाए। मैं इसे छू कर देखना चाहता हूँ। नहीं सर, नहीं, सर ये बहुत खतरनाक है सर, आप इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए सर। अस्सलामु अलैकुम बिरादर, हम तुमको मुंह मांगा कीमत देंगे, लेकिन इसका सिर से लेकर पांव तक जर्रा जर्रा रिसर्च मारो और पता करो इसका ताकत का हद क्या है। उपयोग करेगा, प्रयोग करेगा, जो करना है करो, लेकिन इसका फॉर्मूला बनाओ और बताओ ऐसी शक्तियाँ और कितना बढ़ा सकती है, क्योंकि हमको ऐसा एक नहीं दो नहीं हजारों लाखों ब्रह्म राक्षस मांगती है। हजारों लाखों शेर,
ये एक ही भारी पड़ रहा है। अगर एक इतना भारी है तो सोचो हजारों लाखों भ्रम राक्षस अगर हमारा फौज में होगी तो हम पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, पूरी दुनिया पे राज करेगा राज। चलो आओ। सुभान अल्लाह। इसे बेहोश करो। ये सर, ये लीजिए। डिब्बा है, सारी रात इसे चार्ज किया, उसके बाद ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? पापा, वेट, लेट मी चेक। ऑन ही नहीं हो रहा है। आपको जरूरत क्या थी इसको लाने की? बेटा महंगा फोन है और अपने घर के किसी मेंबर का होगा। तो पापा हम जाके पूछते क्यों नहीं कि फोन है किसका? आप चाहते कि मैं पूछ के आऊं? नहीं नहीं, पहले इसको ऑन कर। पापा ये किसी काम का नहीं, पूरी रात कल चार्ज करा अभी भी ऑन नहीं हो रहा, ये किसी काम का नहीं है। हाँ बस पेपर वेट बन सकता। तू भी ना। पापा दिस इज यूजलेस। मैं भी इसे जंगल से क्यों उठा के लाया? मुझे यहाँ क्यों रखा गया? मुझे लगा वो हम राक्षस यहाँ लाए, मुझे इतनी डर गई थी। आप कैसा कर सकती है ऐसे मेरे साथ? आप मुझे यहाँ लेके आए हो, मुझे लगा वो भ्रम राक्षस मुझे यहाँ लेके आए हो, मैं इतनी डर गई थी। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे ये वही ताबीज है जैसा ताबीज मैंने तुम्हें दिया था। अब ये ताबीज हम ब्रह्म राक्षस को देंगे, तुम्हारे जरिए देंगे। तुमसे ही उसे शक्ति मिलेगी, वो अजर अमर हो जाएगा, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता।